नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे रियलमी C2 का जो पिन है उसको हम प्रोफेशनल तरीके से चेंज करने के लिए बताएंगे दोस्तों। जिस प्रकार से कंपनी बनाती है उस प्रकार से एकदम बताएंगे दोस्तों। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले फ़ोन को हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ये मेरा कैबिनेट है, इसको हम अलग करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको अलग करने के बाद हम इसको साइड में रखते हैं और सबसे पहले जो नीचे की जो पोर्शन है, जो चार्जिंग सेक्शन है, तो उसको हम किसी प्रकार से निकालेंगे। इसको किसी चुमटे या किसी ओपनर की सहायता से खोलना दोस्तों सावधानीपूर्वक, ताकि इसका जो अंदर का जो कंपोनेंट है वो टूटे नहीं। तो कृपया सावधानीपूर्वक ही निकालें। तो चलिए, ये मेरा पता है, चार्जिंग पता, और ये नेटवर्क एंटीना है, इसको हम रिमूव करते हैं और चार्जिंग पीसीबी को हम इससे निकालते हैं। तो दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि ग्लू से चिपका हुआ रहता है, अभी तो आसानी से निकल गया। तो अगर नहीं निकलेगा तो कृपया क्या कीजिएगा आप लोग, SMD ब्लोअर से जो है से इसको हीट कर दीजिएगा हल्का, इसके बाद जो है से आसानी से पीसीबी को निकालिएगा, अन्यथा जोर जबरदस्ती करने से पीसीबी जो है से कि टूट भी जाता है कभी कभी। तो चलिए, हम निकाल लिए पीसीबी और इसको आज हम दोस्तों बताएंगे प्रोफेशनल तरीके से किस प्रकार से पिन को लगाना है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसका जो ऊपर का जो रबड़ है तो उसको हम निकालते हैं दोस्तों। तो रबड़ निकालने के बाद दोस्तों, इसमें हल्का सा पेस्ट लगाना है, जो सोल्डरिंग पेस्ट होता है दोस्तों, इसको ऊपर जो है कि पेस्ट को जो है कि लगा देना है चार्जिंग जैक के ऊपर। तो चलिए इसको, तो सबसे पहले दोस्तों इसको स्टैंड पे आपको फिक्स कर लेना होगा। तो मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो फिलहाल हम देसी जुगाड़ की मदद लेते हैं और इसी प्रकार जो है से हम सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रकार से सेट करने के बाद दोस्तों, हीट जो है से कि नीचे से करना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों साइड में जो है से कि माइक लगा हुआ है, तो ज़्यादा हीट करेंगे दोस्तों तो माइक ख़राब हो सकता है, तो इसलिए हम नीचे से हीट कर रहे हैं इसको। तो नीचे से हीट करने में दोस्तों काफ़ी टाइम लगेगा और इसमें जल्दीबाजी की कोशिश नहीं कीजिएगा तो ही बेटर रहेगा। इसको देखिए दोस्तों, चिमटा से हल्का हिलाते रहना है और आसानी से बिल्कुल सावधानीपूर्वक इसको निकालना है, ताकि जो इसका जो प्रिंट है वो कबड़े नहीं और जो इसका जो प्रिंट है वो टूटे नहीं। तो देखिए, हम यहाँ पे सावधानीपूर्वक निकाल लिए हैं। अब इसको दोस्तों क्या करना है, इसका जो सारे जो पिन है वो जो है से कि यहाँ पे रंगा से भरा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, डिसोल्डिंग वायर या कॉपर वायर की सहायता से इसको जो है से कि हम क्लीन करेंगे। तो देखिए, मेरे पास एक कॉपर वायर है और इसमें दोस्तों पेस्ट लगा के और इसके सारे जो पिने हैं वहाँ पे जो है से कि साफ़ कर लेना है, ताकि जो न्यू जैक जो है से कि इसमें हम जब इंस्टॉल करेंगे तो उस समय परेशानी ना हो, या मतलब ना के बराबर रहे। तो चलिए, हम जल्दी से हम इसको जो है कि क्लीन कर लेते हैं। सारी पिने जो है कि क्लीन करना है दोस्तों, एक भी पिन इसमें छूटना नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारी पिने इसको जो है कि क्लीन कर लिया, बिल्कुल क्लीन है, इसमें न्यू जैक जो है आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब इसको हम एक बार क्लीन कर लेते हैं थिनर से और ब्रश की सहायता से। तो क्लीन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि न्यू जो जैक है वो इसमें जो है कि इंस्टॉल करना है। तो जैक को इंस्टॉल करने से पहले इसको रिसोल्ड कर लेना है दोस्तों, और रिसोल्ड करने के बाद इसको इसमें जो है कि इस प्रकार से फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद जो है से कि सोल्डिंग आयरन की सहायता से इसको आसानी से सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए, अब हम इसको सोल्डिंग करते हैं। सोल्डिंग बिल्कुल सावधानीपूर्वक करें, या दो पिन जो है से आपस में कभी चिपके नहीं, आपस में शॉर्ट ना हो, सिंगल सिंगल पिन जो है से अच्छा से क्लीन दिखाई दे, और इसमें ज़्यादा मतलब लापरवाही नहीं करें, सावधानीपूर्वक ही काम करें। और इसको बारीकी से देखना पड़ता है दोस्तों कि दो पिन आपस में चिपका हुआ है नहीं है। अगर आप अच्छा से नहीं करते सोल्डिंग तो इसमें जो है से कि OTG केबल वगैरह जो है से कि काम नहीं करेगा, या फिर इस फ़ोन से डाटा ट्रांसफ़र भी आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम अच्छा से हम सोल्डिंग कर दिए हैं, अब इसको हम क्लीन कर लेते हैं एक बार थिनर से। थिनर से क्लीन करने के बाद दोस्तों, इस पर क्या करना है कि जो आप लोग के पास फोल्डर लगाने वाला जो ग्लू होगा, इस प्रकार का ट्यूब होगा, ग्लू ट्यूब, इसको क्या करना है कि चार्जिंग जैक के पीछे जहाँ पे जो इसकी जो पॉइंट है 5 पॉइंट, वहाँ पे जो है कि इसको आसानी से लगा देना है दोस्तों। इसको लगाने से फ़ायदा ये है कि जब भी फ़ोन जो है कि पानी में गिरेगा तो इसके जो पीछे जो है कि वाटर लीकेज नहीं होगा, जिसके कारण जो इसका पिन
ख़राब होगा, मोबाइल के अंदर के जो भी कंपोनेंट है वो बचा हुआ रहेगा, सेफ रहेगा। तो दोनों साइड इसी प्रकार से ग्लू को हम लगा लेते हैं और इसको 1 से 2 मिनट के लिए जो है कि छोड़ देना है सूखने के लिए। तो देखिए दोस्तों 1 से 2 मिनट हो गया है, काफ़ी समय। अब इसको हम जो है कि मोबाइल में लगाएंगे, तो मोबाइल में लगाने से पहले इसका जो रबड़ है, जो चार्जिंग जैक का रबड़ है, तो उसको हम इसके ऊपर जो है कि पहले फिक्स करते हैं। देखिए रबड़ जो है कि पूरी तरह से फिक्स हो गया है। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, जो मदरबोर्ड है, जो मेरा जो फ़ोन है, उसमें जो है से हम इसको बैठा करके कस देंगे। तो सबसे पहले हम इसको इसमें इंस्टॉल करते हैं। और चार्जिंग पत्ता को लगाते हैं इसमें, ये आसानी से बैठ गया। और चार्जिंग पत्ता इसमें लगाते हैं और फिर नेटवर्क एंटीना को जो है इसमें लगाते हैं। ये दोनों फिक्स करने के बाद दोस्तों मेरे बात आती है स्पीकर, तो स्पीकर का जो कैबिनेट है उसको भी हम अच्छा तरीके से फिक्स कर लेते हैं। और फिक्स करने के बाद दोस्तों इसके जो सारे जो स्क्रू हैं, जो ऊपर में लगा हुआ है स्क्रू, तो उसको हम जल्दी से हम कस लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो चलिए यहाँ पे मैंने सारी स्क्रू जो है इसमें जो है लगा चुके हैं और इसका बैक कैबिनेट जो है से क्या हम लगाने वाले हैं। दोस्तों अब आती है इसकी टेस्टिंग की, चार्जिंग टेस्टिंग हम करा के देखते हैं दोस्तों। तो देखिए ये मेरा डाटा केबल है और इस मोबाइल के अंदर जो है कि हम लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों चार्जिंग जो है कि शो कर दिया, इसका डिस्प्ले पहले से ही ख़राब था तो उसे लेना देना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों चार्जिंग शो कर दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।